अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे आप? उम्मीद करूँगी सभी खैरियत से होंगे। और आज है जी थर्सडे का डे और एज यूजुअल हमारी वही रूटीन है, मॉर्निंग वही से होती है और वही सारे काम होते थे। रात में सारे बर्तन वगैरह वॉश कर दी थी, अगर प्रॉपर वॉश करके सो तो आपका जो है किचन वगैरह काफ़ी क्लीन अप हो जाता है और जो उसमें जो छोटे वाले कॉकरोचेज होते हैं ना उसकी क्वांटिटी भी बहुत कम हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। और जो मेरी किलिंग जेल की वीडियोस है ना, जो जो लोग परेशान हैं वो ज़रूर ज़रूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगी ताकि आप लोग ईजीली बस को ओपन करें और देख सकें। इट्स वर्थ बाइंग और इससे आपका जो है ना ये वाली प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व आउट हो जाती है। सो आप लोग उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी हम बना रहे हैं एज यूजुअल अपना नाश्ता पानी खाना। आज जो है ना अभी सुबह सुबह जब निकलते हैं ना थोड़ा सा, तो जो है ना थोड़ी ठंडक ठंडक का एहसास हो रहा है। सो अभी तो थोड़ा सा मौसम सही लग रहा है, थोड़ी देर में बहुत ही गर्म हो जाएगा। और चलिए हम अपना खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं। और आटा और देखिए खाना बनाते हैं, सही अच्छा लग रहा है। अगर ब्लू हो जाता ना ये पूरा तो बर्दाश्त होता है, लेकिन ब्लू वाकई में होना चाहिए यार। अच्छा अभी जो है ना रात का टाइम हो चुका है और अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये सारा कटिंग कर लिया है और मैं बना रही हूँ स्पेगेटी प्लस मैक्रोनी मिक्सअप करके। ये चिकन है, अभी मैं चिकन को जो है ना कट करके उसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में बना रही हूँ और फिर मैक्रोनी बनाते हैं फॉर द मॉर्निंग पार्टी। सो जी मैंने ये कटिंग करी है और ठीक है, इसके बाद फ्रीज हुआ हुआ है तो ये जल्दी से ईजीली हो रहा है। मैंने अब ना इसको ऊपर से नीचे रख दिया था, फ्रीजर से निकाल के नीचे फ्रिज में रखा हुआ था, इसका अनफ्रीजिंग पोर्शन होता है। इसमें जो ठंडी ठंडी हैं तो वो तो बहुत ही जल्दी से हो रही हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ना नखरे करके खाते हैं, तो मैंने इसलिए ना ये जो है इनको भी बहुत स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट किया ताकि ना ईजीली खा सकें। और चिकन को भी मैं इसी तरह से छोटे छोटे उसमें कर रही हूँ ताकि इनको बाई शेरे में प्रॉब्लम ना हो, मज़े की बन जाए। ठीक है, और हम इसमें मिल्क वाला पोर्शन ऐड करेंगे, ठीक है, सॉस जैसे बनती है ना तो हम मिल्क उसी टाइम पे ऐड कर देंगे जब चिकन हमारा हो जाएगा डन। और चिकन में ही हम मिल्क ऐड करेंगे वेजिटेबल डालने से पहले पहले, इसको मिल्क में ही ज़्यादा कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा चीज़ी भी इफेक्ट देगा और बहुत टेस्टी लगेगा। ज़रूर आप अपने इस तरह से भी ट्राई इसको जरूर करें। ठीक है, मैंने इसको इस तरह से पूरा कर लिया। अब जो है ना हम स्टार्ट करेंगे मेकिंग, सो लेट्स मेक इट। मैंने चढ़ा दिया पैन और हम सबसे पहले हैंड से हमने जो अपने बनाया है ना ये टैप पीसा है जो भी कह सकते हैं वो डाल देते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और मैं इसको एडिटर ऐड करने वाली हूँ। ओह माय गॉड, ये जो है नीचे गिर गए, इसको हम वापस इसमें ऐड कर देते हैं। हम स्टार्ट करते हैं मेकिंग। सो मैंने तो खैर बहुत दफ़ा बनाई भी और दिखाई भी, थोड़ा सा मैंने इसके
ऐसे बोले फॉर्म में इसलिए रखा है कि इसके जो चंक है ना वो बड़े मज़े के आते हैं। थोड़े से और आप देख रहे हैं इसमें पानी नहीं है, तो बीच में वो पानी कह रही हूँ जिसमें मैंने ऑयल ऐड नहीं किया, तो वो ऐड करूँगी। और यहाँ ये हो गया, अब इसमें हम ऐड कर देंगे, मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया हुआ है, तो अब हम इसके अंदर अपनी मैक्रोनी स्पेगेटी जो भी ऐड करना चाहे वो करेंगे। यहाँ पर ये देखें ये बॉयल हो चुकी है मैक्रोनी हमारी स्पेगेटी प्लस आज है ट्विस्ट मैक्रोनी है थोड़ी सी। और यहाँ पर मेरा दूध भी बॉयल हो गया, मैंने दूध इसे मिल्क बॉयल कर लिया, तो क्या तो मैं दही बना लूँगी या फिर बच्चों को दे दूँगी, ठीक है, काफ़ी दिन से नहीं पिया उन्होंने। और यहाँ देखो मैं आपको बताऊँ तो मैंने चेक किया है, लेकिन चिकन मैंने बस स्पाइस ऐड करके इसको भूना और उसके बाद मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड किया ताकि थोड़ा चीज़ी भी इफेक्ट दे दे और गल भी जाए इसी उसमें, तो वाइट सॉस अलग से नहीं बनानी पड़ी, इसी में कर दिया। थोड़ी सी चिकन हमारी अभी हार्ड है तो मैं उसका वेट कर रही हूँ कि जैसे ही वो सही हो जाएगी। तो आप ना थोड़ी अप एंड डाउन करके चीज़ें अपने मर्जी से थोड़ी सी ट्रिकीनेस ऐड करके तो बहुत मज़े की चीज़ें ऐड बना सकते हो, तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, लाजमी नहीं कि वाइट सॉस अलग बनाए। और फिर इवन अब तो एक चीज़ और वायरल हो रही है कि एक साथ सब कुछ ऐड कर दें और इवन इसको बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं, इसी मिल्क में आप इसको बॉईल करें, ठीक है। ये थोड़ी सी मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि चिकन थोड़ी सी हार्ड है, तो मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा हुआ है, टेस्ट इट। मैं चाहती हूँ बिल्कुल मलाई की तरह यूं करके टूट जाए, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ढका हुआ था। और इसमें अभी मिल्क भी थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो मैं वो चाय थोड़ी देर और रखते। तो जी हमारी ये मैक्रोनी जो है ना वो तैयार हो चुकी है, देख रहे हैं। और इसमें ना चीज़ का इफेक्ट भी आपको नज़र आएगा, थोड़ा सा मुझे सॉल्ट की कमी लग रही है, जैसे लग रहा है कि मैंने सॉल्ट कम डाला है, लेकिन ये कि फिर भी मज़े की और टेस्टी लग रही है। आप केचप के साथ इसको खा लें तो बहुत ही टेस्टी लगेगी, सो इट्स लुक सो यम्मी। सो अभी मैं बच्चों को भी यही खाने को दे रही हूँ क्योंकि मैं रोटी नहीं बना रही और रोटी खाने को दिल भी नहीं चाहता इस टाइम पे अभी ना, सो हस्बैंड को भी दे रही हूँ, बच्चों को भी और सबको दिए भी खाने वाले, ठीक है। दोनों तरह की चीज़ें मैंने ऐड किया, मैक्रोनी भी और ये भी साथ में। सो ब्लॉग को बस यहीं पर एंड करते हैं, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एज़ वेल, फ्रेंड एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।